प्रियंका गांधी जी का स्वागतम करें। प्रियंका नहीं है, गांधी सबको सब जो है चुगान के आसपास एकत्रित हो जाए। श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, आनंद शर्मा गांधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है, प्रियंका नहीं है गांधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है, प्रियंका नहीं है गांधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है, राहुल नहीं है गांधी है, दूसरा राजीव गांधी है, राहुल नहीं है गांधी है, दूसरा राजीव गांधी है, राहुल नहीं है राजीव गांधी है, आन हमारी शान हमारी, सुक्कू भाई जान हमारी, आन हमारी शान हमारी, सुक्कू भाई जान हमारी, क्यों पड़े हो चक्कर में, कांग्रेस पार्टी आवाज दोनों हाथ हिलाकर के अपने महबूब नेता प्रियंका जी का स्वागत करें, गर्म जोशी के साथ स्वागत करें, गर्म जोशी से स्वागत करें। प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी आपको देख करके ये लोग कितने उत्साहित हैं। आज का दिन हमारे लिए चंबा वासियों के लिए बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है कि आज हिंदुस्तान की महान हस्ती और उस कुर्बानी देने वाले परिवार की सीरत जो है हमारे बीच में यहाँ तशरीफ लाई है। और इनके साथ ही हमारे लोकप्रिय आनंद शर्मा जी, इनको कोई नहीं जान कौन नहीं जानता, जिन्होंने प्रदेश का अध्यक्ष रहते हुए सारे हिमाचल प्रदेश को अपने कदमों से नापा हुआ है। और बीसों बार चंबा आए, इन्होंने इतने ब्लड नेशन कैंप लगाए, इन्होंने वन महोत्सव करवाए। आज हम बड़े खुश हैं कि आज प्रियंका जी ने इसके साथ ही साथ हमारे बीच में कुलदीप सिंह पठानिया जो के चंबा से मां आन मान शान जो के एक बड़े ही सुनते हुए व्यक्ति और हिमाचल प्रदेश के एक माने हुए आदमी जो अध्यक्ष है हमारे विधानसभा के, वो भी चक्कर में। तो अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री नीरज नैयर अपने महबूब नेता का स्वागत करें। हर दिल अजीज नीरज नैयर जी। सबसे पहले तो मैं हमारी आदरणीय नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी का चंबा के इस ऐतिहासिक चुगान में पहली बार पधारने पर चंबा डिस्ट्रिक्ट की समस्त जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। जो मेरे साथ एग्री करते हैं अपने हाथ खड़े करें, तालियां बजाएं। कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, आनंद शर्मा। साथियों, प्रियंका जी, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो चंबा आए थे और इसी ऐतिहासिक चुगान के अंदर जो है उन्होंने एक मीटिंग की थी। और उसके बाद 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो हैं वो इस चंबा के ऐतिहासिक चुगान में जो हैं वो आई थी और एक मीटिंग जो है मेरे पिताजी की इलेक्शनियरिंग के लिए आए थे। और उसके बाद 1985 में आदरणीय राजीव गांधी जी जो हैं चंबा आए और इसी ऐतिहासिक चुगान के अंदर जो है उन्होंने एक भारी जनसमूह को जो है संबोधित किया 1985 की इलेक्शन में। और 2017 में आदरणीय राहुल गांधी जी चंबा आए थे और इसी ऐतिहासिक चुगान के अंदर जो है उन्होंने
मेरी इलेक्शन के लिए जो है यहाँ एक पब्लिक मीटिंग को जो है संबोधित किया था, और आज मुझे बहुत खुशी है कि पहली बार श्रीमती प्रियंका गांधी जी चंबा के इस ऐतिहासिक चुगान में आई हैं और इस भारी जन समूह को जो है आप संबोधित करेंगी। एक बार फिर से मैं बोलूंगा, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, आनंद शर्मा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी स्केड्यूल से लेट चल रहे हैं। अब मैं आदरणीय कुलदीप सिंह पठानिया जी को बोलना चाहूंगा कि अपने शब्दों से जो है सारी जनता को जो है संबोधित करें। कुलदीप सिंह पठानिया जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जो महामंत्री हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में, यहां मंच पर आसीन हमारे स्थानीय विधायक श्री नीरज नैयर जी, हमारे बहुत ही गतिशील कर्मठ और कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक आदरणीय श्री आनंद शर्मा जी, श्रीमती आशा कुमारी जी जो पूर्व विधायक एवं मंत्री हैं, श्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी जो पूर्व विधायक एवं मंत्री हैं, मिसेस नीरज नैयर, श्री खन्ना जी और हमारे युवक कांग्रेस के सभी सामान्य प्रतिनिधि जो आज के इस आयोजन में विशेष भूमिका निभा रहे, मंच पर आसीन हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों दोस्तों साथियों, ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज पार्लियामेंट चुनाव के माध्यम से हमारे बीच में श्रीमती प्रियंका गांधी यहां चंबा के इस ऐतिहासिक चुगान में उपस्थित हैं। और मैं अपनी ओर से और समस्त चंबा की जनता की ओर से और विशेषकर आपकी ओर से माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का यहां पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इतनी तेज धूप के बाद इतनी भारी संख्या में आपकी उपस्थिति ये इस बात को दर्शाती है, और मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगा आदरणीय प्रियंका जी को कि आपने जो कैंडिडेट के रूप में श्री आनंद शर्मा जी को यहां से प्रत्याशी बनाया है, यद्यपि समय कम था हमारे पास और उस कम समय में कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों ने, संगठन के सभी साथियों ने, नेताओं ने, परिस्थिति यह है श्रीमती प्रियंका जी कि हम कांगड़ा चंबा लोकसभा से श्री आनंद शर्मा को एमपी बनाकर हम लोकसभा में भेज रहे हैं, और जो जो साथी मेरे साथ मुत्तफिक हैं वो दोनों हाथ खड़ा करके इस बात का समर्थन करें। ये आप देख सकते हैं आनंद शर्मा, जैसा मैंने कहा, देश की राजनीति में एक वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। हमें एक ऐसा सांसद चाहिए जो हमारे विषयों को, मुद्दों को संसद के माध्यम से जो है वहां लोकसभा में रख सके और लोकसभा के माध्यम से उन तमाम विषयों को जो हमारी जरूरतें हैं, मुश्किलें हैं, उनको मंजूर करवा सके। मैं ये कहना चाहूंगा पिछले 10 वर्षों से जब से
देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैडम, ये हमारा जिला जो है आकांक्षी जिला है, यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जहां विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं। पर आप हैरान होंगे सुनकर कि केंद्र सरकार के द्वारा पिछले 10 वर्षों में हमारे इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मात्र 32 करोड़ रुपया जो है दिया गया है। यद्यपि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की चुनाव क्षेत्र को हम देखें या हमारे जो अमित शाह उनके चुनाव क्षेत्र को देखें तो 5-5, 6-6 हजार करोड़ रुपए है उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्रों में अपने चुनाव क्षेत्रों के विकास के लिए खर्च किया है। इसीलिए एक जन आक्रोश जो है चंबा जिला और कांगड़ा जिला की जनता में है और इस बार बदलाव जो है निश्चित है, ऐसा मैं इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं। आप जानते हैं अभी हिमाचल सरकार को भी षड्यंत्र के माध्यम से गिराने का प्रयास हुआ और हमने जो ये ऑपरेशन लोटस के नाम से जो सरकारों को गिराने की, चुनी हुई सरकारों को गिराने की जो साजिशें थी, उन साजिशों को हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने नाकामयाब किया है। सरकार स्थिर है, टिकाऊ है और पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। हमारी सरकार ने पिछले 15 महीनों के अरसे में सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में यहां हिमाचल वासियों को, जब यहां भारी बाढ़ आई, सबकी इमदाद की है और एक विशेष राहत पैकेज के माध्यम से सभी की इमदाद करने का प्रयास किया है। जो आप जानते हैं समय समय पर इन बातों का उल्लेख मैंने किया है और आज हिमाचल सरकार ने कानून के माध्यम से, जैसे मनरेगा के कानून के माध्यम से हमने रोजगार जो है सुनिश्चित करने की बात जो है यूपीए सरकार में की थी, उसी प्रकार से सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने यह सुख आश्रय योजना के माध्यम से, कानून के माध्यम से उन 4000 बच्चों को माता पिता का रूप दिया है। सरकार ने उन बच्चों को एडॉप्ट किया है। अब उससे भी आगे जाकर जो हैं, जो विधवाएं हैं उनकी जो बेटियां हैं उनको भी इसमें शामिल किया है। भारी आपदा आई, हिमाचल प्रदेश की केंद्र सरकार के द्वारा इमदाद नहीं हुई और अब जितने भी बयान केंद्र सरकार के नेताओं के आते हैं उसमें स्पष्ट ये साबित हो रहा है कि उस आपदा की घड़ी में अगर हिमाचल के वासियों की किसी ने इमदाद की है तो वो हिमाचल सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार है, जिसने 4,500 करोड़ रुपया देकर प्रति जो इफेक्टेड फैमिली थी उसको 7 लाख पार्शल डैमेज में 3.5 लाख रुपए देकर इमदाद करने का प्रयास किया है। मैं अधिक समय आपके बीच में नहीं रहना चाहूंगा। मैं मैडम आपको इस मंच के माध्यम से यहां से मैं ये कहना चाहूंगा, यद्यपि हमने जो है देर से शुरुआत की, आज जिस गति से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी है निश्चित तौर पर आनंद शर्मा जो है यहां से विजय श्री को प्राप्त होंगे और लोकसभा में जाकर आप जो है इंडिया गठबंधन की सरकार में जो है ये प्रतिनिधि होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका यहां आने पर एक बार फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और जो है आग्रह करता हूं आनंद शर्मा जी से कि आप आइए और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करिए। श्री आनंद शर्मा जी, अरे ये बात बंद करिए, सुनिए ये बिल्कुल गलत है, ये ईश्वर ले जाओ सम्मानित तो कर दो, सम्मानित तो कर दो जल्दी से, ये चंबा का रुमाल है।
अब मैं गुजारिश करूंगा श्रीमती प्रियंका गांधी जी, हमारी नेता हमारे बीच में मौजूद हैं। आज इस ऐतिहासिक चंबा के चौगान में आप जोर से एक बार स्वागत करें प्रियंका गांधी, जोर से आवाज निकले चौगान की, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष, मेरे पुराने साथी और मित्र कुलदीप पठानिया जी, यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक नीरज नैयर जी, आशा कुमारी जी, ठाकुर सिंह भरमौरी जी, हमारे चुरा से यशवंत खन्ना, ये पुराने साथी जगदीश हांडा जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, चुनाव के अब कुछ दिन बचे हैं। मैं और मेरे साथी आपके विधायक आपके बीच में कई बार आए, अपनी बात आपके माध्यम से पूरे चंबा की, कांगड़ा की जनता तक पहुंचाने के लिए। इस चुनाव का एक विशेष महत्व है, ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है, भारत की पार्लियामेंट का, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है, क्योंकि हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर आप अमेरिका और यूरोप की आबादी जोड़ लें, उससे 20 करोड़ ज्यादा भारत का मतदाता है, 100 करोड़ लोग वोट डालेंगे। करोड़ों वो हैं जो पहली बार के मतदाता हैं, जो आज से 10 साल पहले जब ये नए भारत वाले आए थे, अच्छे दिन लाने का वायदा करके, 2 करोड़ रोजगार का वायदा ला के, महंगाई खत्म करने का, तो माँ बाप ने थोड़ा विश्वास कर लिया था कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। आज वही 8 साल के हमारे बेटे बेटी उनके 18 साल की उम्र के हो गए हैं और मत डालेंगे, पर माता पिता चिंतित हैं उनके भविष्य के बारे में। इसलिए आपका मत ये तय करेगा कि आप किस तरह से आने वाले समय को देखते हैं, 5 साल के हिंदुस्तान को, कौन सी रूपरेखा बनेगी, कौन सी नीति जो इस देश को आगे लेके जाएगी, हमारी युवा पीढ़ी को अवसर मिलेंगे, देश सुरक्षित होगा, समाज में हमारी महिलाओं को सम्मान मिलेगा और आपका और मेरा देश आगे बढ़ता रहेगा। 2 ही विचारधाराएं सामने हैं, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 138 साल पुरानी है, जिसने आजादी के संग्राम की अगुवाई की, कुर्बानियां दी और आजादी के बाद के देश का निर्माण किया आपके और मेरे भारत का। मैं उस पीढ़ी का हूं जिसने हर दशक हिमाचल को बनते देखा है, हिंदुस्तान को बनते देखा है, बड़ी संस्थाएं बनती देखी हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के महान नायक आजादी के आंदोलन के, आज उनकी पुण्यतिथि है 27 मई को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान के लिए संग्राम किया, आजादी के भारत की जो मजबूत संस्थाएं बनी, चाहे IIT बने, IIM बने, परमाणु विज्ञान का संस्थान बने, अंतरिक्ष विज्ञान के संस्थान बने, वो सब जवाहरलाल नेहरू और उनकी सोच के देन है, जिनको दुनिया सलाम करती थी। ये याद रखिएगा, उसी से शक्ति मिली हमारे नौजवानों को अपनी पहचान बनाने की दुनिया के अंदर। और उसके बाद जो आज हमारे लोगों के पास स्मार्टफोन हैं, आईपैड आप इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर करते हैं, वो सूचना और संचार क्रांति के सूत्रधार स्वर्गीय राजीव गांधी थे, जिन्होंने देश को इस काबिल बनाया कि हिंदुस्तान सदी बदलने से पहले अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो गया था। और हमारे बेटे बेटियों की, हमारे आईटी एक्सपर्ट्स की दुनिया में पहचान बनी। आपको ये बात याद रखनी है कि वोट का अधिकार जो आपके पास है, उसका महत्व क्या है। ये अधिकार
आपको बराबरी देता है, हिंदुस्तान के लोगों को वही बराबरी जो संविधान देता है, ये वायदा किया गया था आजादी के संग्राम में कि आजाद भारत वर्ष में लोकतंत्र कायम होगा, संविधान सबको बराबरी का हक देगा। हम बहुधर्मी बहुभाषी देश हैं, 30 सूबे हैं भारत में, हर राज्य की अलग पहचान है, हमारी 18 भाषाएं संविधान मानता है, हर भाषा का एक इतिहास है, साहित्य है, ये देश आम सहमति से चला है। कांग्रेस की पहचान भारत की इस विविधता से है और इस अनेकता में एकता हिंदुस्तान की शक्ति है। आज जो दूसरा दल है भारतीय जनता पार्टी, जाहिर है उनकी और हमारी सोच में फर्क है, पर वो समावेशी नहीं है, वो लकीरें खींच रहे हैं राज्य के अंदर, राज्यों के बीच में, क्षेत्रवाद और भाषा के नाम पे उत्तर और दक्षिण के बीच में। इससे आपका और हमारा भारत कमजोर होगा, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसको रोकना जरूरी हो गया है। जिस संविधान का मैंने जिक्र दिया, जो आपको बराबरी का दर्जा देता है, सब किसी का एक वोट है, चाहे वो हिमाचल का है या बंगाल का है, पुरुष है महिला है, अमीर है गरीब है, आपकी वोट तय करेगी भविष्य को। और ये संविधान जो आपको हक देता है, वो हक तब तक सुरक्षित है जब तक भारत का संविधान कायम है। आज कुछ इरादा अलग लगता है केंद्र में सत्ताधारी दल का, उनका इरादा संविधान को बदलने का है। आप सोचिए जरा, चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा नहीं की थी, एक कैंडिडेट ने पर्चा नहीं भरा था, पार्टियों ने सूचियां नहीं निकाली थी कौन उम्मीदवार कहां से होगा, पर क्या कहा गया देश के बीजेपी के नेतृत्व के द्वारा, प्रधानमंत्री जी गृहमंत्री द्वारा, अब की बार 400 पार। ये क्या बात है ये 400 पार की, ये अहंकार बोल रहा है, ये जनादेश और संविधान का अपमान है, मतदाता का अपमान है। वोट डला नहीं तो कह दिया और अब पीछे आए थे, नहीं एक मिनट, नहीं सुनिए अच्छा, बीच में नहीं शाबाश धन्यवाद। तो आज इस बात को आपको सोचना है कि जहां मानसिकता यह है तो इरादा क्या है, उसको बचाने के लिए यह वोट डालना पड़ेगा। अभी आए थे दो दिन पहले, दो नहीं आए थे, मंडी में प्रधानमंत्री और धर्मशाला में गृहमंत्री, क्या कहकर गए हैं, जो बातें कही गई वो भ्रामक है, वो सत्य से और जमीनी हकीकत से टकराती हैं, वो शायद अलग दुनिया में विचरण करते हैं, सोचते हैं कि जो हमने कहा था सब पूरा कर दिया, या लोगों को समझ नहीं आ रहा। एक नई रिवायत बन गई है, आई बार आओ वायदा कर दो, अगली बार आओ दूसरा, तीसरी बार आओ फिर एक नया। लोगों को एक बार ठगा जा सकता है, दो बार ठगा जा सकता है, सब लोगों को सब तक नहीं ठगा जा सकता, ये याद रख। आप समझ चुके हैं असलियत, वो 20 करोड़ रोजगार की असलियत आप समझ चुके हैं, महंगाई आपके सामने है, देश मजबूत नहीं हो रहा, देश अंदरूनी रूप से कमजोर किया जा रहा है। पिछले 10 साल जो देश की जनता ने सुना है वो दुर्भाग्य की बात है। क्या इस भारत का सफर 2014 मई में शुरू हुआ था, जो कहते हैं हिंदुस्तान की पहचान नहीं थी, हिंदुस्तान का सम्मान नहीं था, आजादी से पहले की हर सरकार को कोसते हैं कि भारत में कुछ नहीं हुआ था। ये ऐसा सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री बड़े मंत्री कहें, इससे बढ़ के अफसोस की कोई बात नहीं। ये देश परमाणु शक्ति था, ये देश अंतरिक्ष में इंदिरा गांधी के समय जब आर्य भट गया था 1974 में जा चुका था, देश की फौज मजबूत फौज थी जिसने मानवता की लड़ाई लड़के, पूर्वी पाकिस्तान में जब नरसंहार हो रहा था
भारत दो बड़े युद्ध लड़ चुका था, देश में अकाल था, 1 करोड़ शरणार्थी थे, वो इंदिरा गांधी खड़ी हुई थी, अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था, चीन की फौज खड़ी हो गई थी कि खबरदार अगर हस्तक्षेप किया, मानवता की लड़ाई लड़ी, युद्ध हुआ, सबसे बड़ा जीत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिंदुस्तान की फौज की हुई, पाकिस्तान ने हथियार डाले, 1 करोड़ 1 लाख युद्धबंदी आए, बांग्लादेश आजाद हुआ, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में इंदिरा जी को दुर्गा का रूप कहा था, याद है, वही इंदिरा जी, पंडित नेहरू और राजीव गांधी जी को आज ये कोसते हैं, क्या हम इसको स्वीकार कर सकते हैं? जो लोग अपने राष्ट्र निर्माताओं और शहीदों का अपमान करते हैं, इतिहास उनको कभी माफ नहीं करता। ये अब मैं बाकी बात अब नहीं कहूंगा, आज नौजवानों की बात है, इस इलाके की बात है, आप प्रियंका जी की बात सुनने आए हैं, वो शहीद इंदिरा जी की और राष्ट्र के शहीद राजीव गांधी जी की, इंदिरा जी की पोती हैं, राजीव जी की बेटी हैं और आप कांग्रेस की नेता हैं। हिमाचल अस्तित्व में आया पंडित नेहरू की वजह से, दो बहुत प्यार करते थे, और इंदिरा जी ने पूरे राज्य का दर्जा दिया 1971 में जब भारी बर्फबारी में आई थी खुली जीप के अंदर। ये सबको याद करना, जो दूसरे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया हिमाचल के लिए। मुझे एक बात कहनी है, ये वीरों की भूमि है, यहां शौर्य गाथाएं लिखी हैं कांगड़ा और चंबा की। हम सेना में सबसे ज्यादा भर्ती हमारे यहां से होती है, हिमाचल की अलग रेजिमेंट की बात है, अगर जनसंख्या अनुपात में देखें हिमाचल नंबर 1 पे है और उसमें कांगड़ा चंबा हमीरपुर क्षेत्र। आज जो ये नई योजना लाए हैं, जो 4 साल की फौज की भर्ती है अग्निवीर, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है, 4 साल के बाद क्या करेंगे, ना पेंशन मिलेगी ना स्वास्थ्य सेवा मिलेगी, फौज की कंटीन से राशन नहीं मिलेगा, सीमा पर अगर प्राण चले गए तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, मां बाप को कुछ नहीं मिलेगा। अभी 2 अग्निवीर आए हैं, मैं गया था सुला में, किसी ने सलामी तक नहीं दी जब पार्थिव शरीर लाया गया अग्निवीर का। तो इसलिए हमने तय किया है कांग्रेस ने, इसको हम खारिज करेंगे, पुरानी भर्ती हम बहाल करेंगे। हूं तुहा 1-2 गल्ला सुनी लिया चंबा बारे, फिर मैं अपनी गल खत्म करनी है। या चंबा कांगड़ा में बड़ी संस्थाएं बनी हैं, पर चंबा पीछे रह गया है, अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा गया है पर पैसा दिल्ली से नहीं मिला है। हमारी प्राथमिकताओं का पत्र मैंने दिया है, चंबा में पहला सुनिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, वो भी यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म, ट्रैक टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स, उसको बढ़ावा मिलेगा बड़े पैमाने पे। दूसरा, हेलीपोर्ट चंबा में कायम की जाएगी सैलानियों के आने के लिए, रोजगार बच्चों को मिले। तीसरा, फल और सब्जी बहुत होती है उसके लिए, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, कारखाने लगेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया तय होगा, जिसमें जो बाजार में नहीं पहुंच सकते फल और सब्जी, उनकी ग्रेडिंग होगी, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, प्रोसेसिंग होगी, वो देश और दुनिया के बाजार में पैकेज होके जाएंगे। चौथी चीज, चंबा में, मैंने हिमाचल में तो कराया था, चंबा में हमारे पासपोर्ट अभी नहीं बनते, तो जिला चंबा के अंदर भी एक पासपोर्ट का कार्यालय हम बनवाएंगे, ताकि हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं, चंबा में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा, आज तक क्यों नहीं बना मैं हैरत में हूं, वो हम बनवाएंगे। और आखिरी चीज, 4 टनल बनाएंगे, 4 सुरंग। तू मेरी गल सुना, एक मिनट बाबू, बड़ा जोश है, मैं दिखी लिया, एक मिनट है, सुना मेरी गल सुना, एक मिनट, हाँ सुना, एक मिनट, हाँ, एक चंबा चुवारी वो सुरंग बननी है,
कुलदीप पठानिया बैठे हैं, फिजिबिलिटी स्टडी हो गई है, बरसात के बाद हां काम शुरू करा देना। होर तीर टनल, होली उतराला, होली उतराला सुरंग, होली उतराला सुनी लिया, पदरी पास असाच पास। अच्छा अच्छा सुन सुन, बस 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 सुनो, बंद करिए। अरे लोगों को चार सुरंग के नाम तो सुनने दो नौजवानों, पदरी पास भी साच पास भी, ये चार सुरंग बनेंगी। और मेरी प्राथमिकता एक और है, रिलीजियस टूरिज्म। अगर उत्तराखंड के अंदर चार धाम होती है, या तो माताओं के मंदिर हैं, शक्ति पीठ है, रिलीजियस टूरिज्म के सर्कट पे हिमाचल आएगा। और आखिरी चीज जो कांगड़ा के लिए भी है, पचम्बा और डलहौजी के लिए जरूरी है, पठानकोट का हवाई अड्डा वहां दोबारा खोला जाएगा, बड़े जहाज उतरेंगे। अगर श्रीनगर के अड्डे पर उतर सकते हैं, चंडीगढ़ आ सकते हैं, गोवा भी सैनिक हवाई अड्डा है, तो पठानकोट में क्यों नहीं, इसको भी ये प्राथमिकताओं में हमारी शामिल रहेगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। मैं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अपने संगठन के आदेश पर आपके बीच में आया हूं आशीर्वाद मांगने, और मुझे खुशी है कि पूरा संगठन एकजुट है, पूरी कांग्रेस पार्टी, मेरे पुराने साथी, दशकों पुराने, वो सब हमारे लोग, आप सब लोग खड़े हैं। मैं अपनी मातृशक्ति को धन्यवाद देता हूं, प्रियंका जी से आप सुनेंगे हमारी सोच और सम्मान, अपनी माताओं बहनों और बेटियों के लिए क्या है, अपना सोच अपने नौजवानों के लिए क्या है। राहुल जी भी संघर्ष कर रहे हैं, प्रियंका जी पूरे देश में घूम के प्रचार कर रही हैं। मैं अंत में यही कहूंगा, कोई 400 पार नहीं, कोई 300 पार नहीं, इनकी ये डिपार्चर लाउंज में इनकी सरकार जा रही है, बदलाव आप लाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। प्रियंका जी, प्रियंका जी, हम आपसे एक वचन देते हैं और एक वचन आप ही हमें दीजिए। हमें अनंत शर्मा जी को एमपी बना करके दिल्ली भेजेंगे, और आप इन्हें मंत्री बना करके हमें दीजिए, हम भी वचन देते हैं, आप भी हमसे वचन दीजिए। तो अब मैं AICC की जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पर आए और चंबा के इस अपार जन समूह को संबोधित करें। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आप काफी समय से मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा में आपका स्वागत। श्री आनंद शर्मा जी, श्री कुलदीप पठानिया जी, श्रीमती आशा कुमारी जी, श्री नीरज नैयर जी, श्री यशवंत खन्ना जी, श्री करतार सिंह ठाकुर जी, श्री विजात कन्वर जी, श्री अश्विनी ठाकुर जी, श्री भजन सिंह जी, श्री कमल ठाकुर जी, और मंच पे विराजमान सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, आप सबका भी इस सभा में स्वागत। एक बार मेरे साथ कहिए, माँ दुर्गा की जय, माँ दुर्गा की जय। धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ जी की जय। यहां आकर बहुत खुशी हो रही है। मेरा दिल वैसे भी हिमाचल में ही रहता है, घर दिल्ली में है, चलिए घर हिमाचल में भी है, लेकिन इस घर में दिल ज्यादा रहता है, यहाँ आने का बड़ा दिल करता है। तो जब भी मैं हिमाचल आती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ, देखिए, आपका प्रदेश बहुत सुंदर प्रदेश है,
आपका हुनर भी बहुत है, आप शिक्षित भी हैं और हर तरह से आपके प्रदेश की ओर पूरा देश देखता है, क्योंकि यहाँ की जो सभ्यता है उसमें एक तरह से जो सादगी और जो ईमानदारी है वो शायद पूरे देश भर में सबसे ज्यादा है। और मैंने भी अपने अनुभव में ये देखा है कि आपके जो समाज की सभ्यता है, आपके रहन सहन के जो तरीके हैं वो बहुत सुंदर और शालीन है, और इससे पूरे देश को सीखना चाहिए। जो भी नेता यहाँ आता है खास तौर से चुनाव प्रचार के लिए, वो ये बात जरूर करता है कि ये देव भूमि है और वीरों की भूमि है, और ये सही बात है, एक गंभीर बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये कहने का तरीका नहीं होना चाहिए कि कोई भी आया कह दिया और चले गए। ये बात गहरी इसलिए है क्योंकि ये देव भूमि है और देवताओं की जो कृपा होती है वो हमेशा ईमानदारी पे होती है, ईमानदार लोगों पे होती है। जीवन सच्चाई से जियो, ईमानदारी से जियो, तभी भगवान की सारी कृपा आपके साथ आपके ऊपर रहती है। तो आपकी ये जो भूमि है इसे देव भूमि कहते हैं क्योंकि यहाँ की एक परंपरा है, एक सभ्यता है, एक सुंदरता है जो दैविक है। वीर भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने हमेशा अपने प्रदेश से सरहद पे अपने बेटों को भेजा हमारी धरती की रक्षा करने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए। यहाँ के बहुत जवान शहीद हुए, उन्होंने जान दी अपने देश के लिए, और इसलिए आपकी धरती वीर भूमि कहलाई जाती है, जहां से सैकड़ों वीरों ने हमारे देश के लिए, उसकी अखंडता के लिए, उसकी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। तो अगर आपके प्रदेश में ऐसी सरकार आए जो ईमानदार न हो, जो सच्ची न हो, जो आपके प्रति श्रद्धा न दिखाती हो, तो आप क्या कहेंगे? आज आम चुनाव है, आप लोकसभा के प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 6 बाय इलेक्शन भी हैं, जिस पर आपकी जो प्रदेश सरकार है उसका भविष्य निर्भर है। तो दोनों लोकसभा और जो बाय इलेक्शन है उनके संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहती हूं, क्योंकि जब आपने अपने प्रदेश की सरकार चुनी तो आपने बदलाव के लिए, एक नई तरह की राजनीति के लिए अपना मत डाला, अपना समर्थन दिया। अब मोदी जी यहां आकर देव भूमि की बात करते हैं, देवताओं के नाम पर आपसे वोट मांगते हैं, लेकिन मोदी जी ने आपकी चुनी हुई सरकार का क्या किया? उन्होंने पूरी ताकत डाली, धन बल की ताकत, कि ये सरकार गिर जाए। सरकार आपने चुनी थी, सरकार लोकतंत्र के जरिए आपने चुनी थी, और मोदी जी ने पैसे दे देकर, भ्रष्टाचार सबके सामने करके हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने की कोशिश की। क्या ये ईमानदारी की बात है? क्या आप इसको सच्ची राजनीति कह सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री इस तरह की साजिश आपके प्रदेश की सरकार के खिलाफ करें, वो प्रधानमंत्री आपको सर्वोपरि समझते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि उस प्रधानमंत्री जी के दिल में आपके लिए श्रद्धा है, अगर आपकी चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरह की भ्रष्ट साजिश कर सकते हैं? तो ये समझना बहुत जरूरी है भाइयों और बहनों, कि भाजपा के जितने नेता हैं, प्रधानमंत्री जी से शुरू होकर
जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उन तक, जितने भी नेता हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वो मकसद है कि किसी भी हालत में सत्ता को अपने हाथों में रखें, चाहे सरकारों को गिराना पड़े, चाहे भ्रष्टाचार करना पड़े, चाहे विधायकों को घूस खिलाना पड़े, चाहे आपको गुमराह करना पड़े, चाहे भगवान का नाम लेकर आपका ध्यान भटकाना पड़े, कुछ भी कर लेंगे सिर्फ सत्ता के नाम से। सिर्फ सत्ता ही चाहते हैं और किसी भी तरह से उस सत्ता को रखने का काम करेंगे। तो ये एक तरह की राजनीति है बहनों और भाइयों, और इसका नतीजा आपने देखा है। ये जो अग्निवीर की स्कीम है, ये इसी राजनीति का नतीजा है, क्योंकि इस राजनीति के लिए जो मोदी जी और भाजपा के लोग करते हैं, इसके लिए धन बल की बहुत जरूरत होती है। भाइयों और बहनों, बगैर धन बल की के ऐसी राजनीति नहीं चल सकती, क्योंकि धन बल से ही खरीदना है विधायकों को, धन बल से ही ये मीडिया वाले जितने भी टीवी के चैनल हैं इनको चलाना है। तो धन बल की जरूरत होती है, और ये धन बल आता कहां से है? बड़े बड़े खरबपतियों से आता है। और जितनी भी नीतियां बन रही हैं आज, पिछले 10 सालों से इस देश में बनी हैं, मोदी जी की सरकार में, वो सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बनी है। इसीलिए अग्निवीर जैसी स्कीम आती है, जिसमें जो सेना में भर्ती होता है वो 4 सालों बाद वापस आ जाता है अपने घर और फिर से बेरोजगार बनता है, ताकि डिफेंस में भी बड़े बड़े खरबपतियों का हाथ हो। इसीलिए जब ओपीएस जैसी जो पुराना पेंशन है, जब ओपीएस की बात होती है तो मोदी जी की सरकार कहती है कि पैसे नहीं है, लेकिन जब बड़े बड़े खरबपतियों के कर्ज माफ करने होते हैं तो अचानक 16 लाख करोड़ रुपए जनता के पैसे जनता के बैंकों से, सरकारी बैंकों से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन पुराने पेंशन के लिए कहते हैं कि पैसे नहीं है। ये भी उसी राजनीति का नतीजा है जो सिर्फ सत्ता के लिए चलती है और सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के लिए चलती है। आज हिमाचल के सेब के किसानों का हाल की का हाल देखिए, तमाम कोल्ड स्टोरेज बड़े बड़े खरबपतियों को दे रखे हैं। तो जहां जहां सेब उगता है और कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है, तो सेब का दाम कौन तय करता है? अडानी जी तय करते हैं, बड़े बड़े खरबपति तय करते हैं। तो सेब कब बिकेगा, कितने पे बिकेगा, आज वो तय करते हैं। आपको अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े खरबपतियों के लिए ये भी नीतियां बन रही हैं। तो देखा जाए तो जितनी भी इनकी नीतियां हैं वो सब सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के लिए हैं। और जनता महंगाई से जूझ रही है, किसान जूझ रहा है, मिडिल क्लास जूझ रहा है, यहाँ तमाम शिक्षित नौजवान हैं, लेकिन पूरे देश भर में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि जितने भी शिक्षित हों रोजगार मिलने का नाम निशान नहीं है। माता पिता चाहे जितने भी गरीब हों, जितने भी दूर दराज इलाके के हों, सब अपने बच्चों को आजकल शिक्षित करते हैं। सबसे पहला परिवार का मकसद यही होता है, बच्चा शिक्षित होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन आज मोदी जी की देन है कि 10 सालों में जो बेरोजगारी बढ़ गई है वो 45 सालों में नहीं रही। 70 करोड़ नौजवान आज बेरोजगार हैं, 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। जिस तरफ आप देखिए उस तरफ इन्होंने संकट बढ़ा दी है, मुश्किलें बढ़ाई हैं, परेशानियां बढ़ाई हैं। हमने वो आरोपी की बात की, कांग्रेस इसे लाई, इन्होंने क्या किया? हम कहते थे वन रैंक वन पेंशन, ये कहते हैं एक रैंक और तमाम अलग अलग पेंशन। आज अगर अग्निवीर शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीदों का पेंशन भी नहीं मिलेगा। इन्होंने शहीदों में भी फर्क कर दिया है कि एक तरह का शहीद और एक दूसरे तरह का शहीद। ये कैसी बातें हैं भाई और बहनों? आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये सरकार चला रहे हैं। आज सेना में भर्ती होते हैं, चोट लग जाती है,
उस वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है, डिसेबिलिटी का पेंशन भी इन्होंने खत्म कर दिया है, तो अलग अलग पेंशन भी बना दिए हैं। हर तरफ आपकी मदद करने के बजाय, आपका समर्थन करने के बजाय, आपको मजबूत करने के बजाय आपको कमजोर किया जा रहा है। मोदी जी यहां आते हैं, मानिए कि पर्यटक की तरह भ्रमण करने आ रहे हैं, अपना कैमरा निकालते हैं और कैमरे से मोदी जी फोटो खींच रहे हैं और मोदी जी की कोई और फोटो खींच के पूरा वायरल कर रहे हैं कि देखिए मोदी जी पहाड़ पे खड़े होकर कैमरे से फोटो खींच रहे हैं। आपको मालूम है उन्होंने अपना पोस्ट डाला कैमरे से फोटो खींचते हुए, पीछे गाना क्या बज रहा था उन्हीं के पोस्ट में, किसने सुना? चंबा कितनी दूर। बिल्कुल सही गाना था, क्योंकि मोदी जी कट गए हैं पूरी जनता से और चंबा से, चंबा की जनता से तो पूरी तरह से कटे हुए हैं। उन्हें आपके संघर्षों के बारे में कुछ नहीं मालूम। आप कैसे जीते हैं, कैसे महंगाई का सामना करते हैं, कैसे बेरोजगारी का सामना करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम। आपके क्या हुनर है उन्हें यह भी नहीं मालूम। और आज जो परिस्थितियां उन्होंने देश में बनाई हैं, तो भाइयों और बहनों कोई बताएगा भी नहीं उन्हें। सब डरते हैं, उनके अधिकारी उनसे, उनके साथी डरते हैं, उनके मंत्री डरते हैं, जनता के बीच तो वो आते ही नहीं। कभी किसी किसान से नहीं पूछते कि आपकी क्या हालात हैं, कैसे जी रहे हो। कभी आकर किसी आपदा में भी एक बार पूछते नहीं है। यहाँ कितनी बड़ी आपदा हुई, मोदी जी कहते हैं कि ये उनका परिवार है, हिमाचल उनका दूसरा घर है, आए क्या आपदा के समय? एक बार आपको मुंह नहीं दिखाया। आपदा के समय आने की बात छोड़िए, एक पैसा राशि, एक पैसा नहीं भेजा इन्होंने केंद्र से, इतनी भी राशि नहीं भेजी कि जहां जहां आपदा हुई थी वहां मदद हो जाए। हमारी सरकार ने जितनी स्कीमें आपके लिए बनाई थी वो लगभग उस समय हमें रोकनी पड़ी, क्योंकि सरकार के सारे पैसे, सारी संपत्ति हमने आपकी जो आपदा में जो मुश्किलें हुई उनको, आपको सहूलियत पहुंचाने के लिए, आपको राहत देने के लिए डाली। आपने खुद देखा कि सरकार के एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्री नीचे आ गए, जमीन पे आए, कोई कहीं पे मदद कर रहा था, कुछ लोग फंसे हुए थे तो कोई किसी के घर जाकर देख रहा था कि नुकसान को कैसे, हम के लिए हम कैसे राहत पहुंचा पाए। जहां जहां दुख था वो पहुंचे। और मैं ये नहीं कह रही हूं भाई और बहनों कि ये कोई बड़ी बात है, यही नेताओं का कर्तव्य होता है। आपदा के समय अगर आपके पास आए तो यही कर्तव्य होता है। यही हमारी कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी परंपरा है। पंडित नेहरू जी जिनकी आज पुण्यतिथि है, जो इसी मैदान पे जो आए थे अपने जमाने में, इंदिरा जी, उन्होंने हमको क्या सिखाया? उन्होंने यही सिखाया कि नेता जनता का सेवक होता है, सेवा हमारा कर्तव्य है। आपदा के समय आपके पास आना है, आपकी मदद करनी है, किसी भी तरह से, जितनी भी राशि, जितनी भी तरह से हम मदद कर सकते हैं हमें करनी है। और आपने देखा कि हजारों करोड़ रुपए प्रदेश के खर्च हुए, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा आई, बहुत समय में ऐसी आपदा नहीं आई थी। कितना नुकसान हुआ मैंने देखा, मैं हर जगह गई थी, मैंने देखा कि कैसे घर टूट गए थे। एक परिवार में अभी तक मुझे याद है, एक परिवार के 6-7 सदस्य गुजर गए, मंदिर गए थे बच्चों को लेकर, और वहां 6-7 सदस्य गुजर गए। उस परिवार के बारे में सोचिए तो कितनी मुश्किलों का सामना आपने किया है बस अभी इन्हीं 1-2 सालों के दौरान। और इस पूरे समय में मोदी जी और मोदी जी की सरकार, ये सारे नेता जो आज आपके सामने खुशी से आकर आपसे वोट मांग रहे हैं, भगवान का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं, ये कहां थे? इन्होंने क्या किया आपकी मदद के लिए? अपना कर्तव्य तक नहीं निभाया, उल्टा जो राशि आनी थी वो रोक दी। आज अगर हमारी प्रदेश सरकार जो गारंटी हमने आपको दी थी उसको पूरा करने का काम कर रही है तो ये एक बहुत बड़ी बात है,
क्योंकि इससे पहले जो आपदा आई थी उससे बहुत बोझ पड़ा है हिमाचल की अर्थव्यवस्था पे। तो आप सोचिए भाइयों और बहनों कि इनकी नीयत क्या है, भाजपा के नेताओं की नीयत क्या है। क्या ये साफ नीयत है कि आप मुश्किलों में हैं, इतनी बड़ी आपदा आती है, इतना बड़ा संकट झेल रहे हैं, साल लगेंगे शायद सारी सड़कों की मरम्मत को करने में, जो जो टूटा उसको ठीक करने में, और जो गुजर गए उनके बारे में तो जीवन भर उनके परिवार के लोग उन्हें याद करेंगे और वो दुख झेलेंगे। लेकिन भाजपा के नेता, भाजपा की सरकार ने आपको नकारा, और सिर्फ राजनीति की वजह से नकारा, सिर्फ इस वजह से नकारा कि आपने कांग्रेस की सरकार चुनी थी, और उसके बाद उस सरकार को गिराने का काम भी किया, कोशिश बहुत की। ये तो हमारी सरकार एकजुट रही और हमारे विधायक एकजुट रहे काफी हद तक, इसलिए हमारी सरकार बच गई। लेकिन इनकी बस चलती तो आपकी चुनी हुई सरकार, वही मंत्री जिन्होंने आपदा में आपका साथ दिया, वही लोग चले जाते और एक नई सरकार लाते और सिर्फ सत्ता के लिए राज करते, आपका सिर्फ फायदा उठाते हैं, आपके सामने आकर आपको तरह तरह के झूठ सुनाते हैं। आनंद शर्मा जी बोल रहे थे इनके वादों के बारे में, कौन सा वादा इन्होंने पूरा रखा किया? जितने वादे किए सारे वादे तोड़े हैं। इनकी बातें न गहरी हैं और न आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, हल्की बातें हैं। आजकल आप खुद देख रहे हैं कि मोदी जी किस तरह की बातें कर रहे हैं, देश भर में जाकर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता आपकी भैंस चुरा लेंगे, आपके मंगलसूत्र चुरा लेंगे। कैसी बातें हैं ये? कांग्रेस पार्टी 55 सालों से सत्ता में रही, जानते हैं 55 सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, देश 70 सालों से आजाद रहा है। ये कहते हैं 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो 10 सालों में इन्होंने काम किया है ये कहते हैं कि ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। एक हद तक सच है, कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े सरकारी कारोबार कभी किसी बड़े खरबपति मित्रों को नहीं दिया, जो इन्होंने 10 सालों में काम कर डाला। नाम लीजिए सरकार के, जो देश के जो कोयले के खदान, बड़े बड़े बंदरगाह, हवाई अड्डे, सब कुछ अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दिया, ये कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से विधायकों को खरीद के सरकारें कभी नहीं गिराई, ना कभी करेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी 55 सालों के लिए सत्ता में रही, ये लोग हमको भ्रष्ट कहते हैं, ये लोग हमको भ्रष्ट कहते हैं। 55 सालों में कांग्रेस पार्टी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई, और ना किसी ने प्रयास किया इसे बनाने का। मात्र 10 सालों में भाजपा इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? कैसे बनी, कहां से आए ये पैसे, किसके पैसे हैं? 60,000 करोड़ रुपए सिर्फ अपनी पार्टी में इन्होंने पिछले एक दो सालों से खर्चे हैं, और ये मैं नहीं कह रही हूं, एक रिपोर्ट आई है। और भ्रष्ट कहते हैं कांग्रेस पार्टी को, और भगवान के नाम पर आपसे वोट मांगते हैं। कौन से भगवान उतरकर आपको कहेंगे कि इस पार्टी को वोट दो या उस पार्टी को वोट दो? भगवान तो एक ही बात कहते हैं, सारे संतों ने, सारे महात्माओं ने, सारे भगवानों ने एक ही बात कही कि अपना जीवन सच्चाई और ईमानदारी से जियो, सत्य के पथ पर चलो। तो देव भूमि के मेरे भाइयों और बहनों, पहचान लो जो सत्य के पथ पर चल रहे हैं और जो असत्य के पथ पर चल रहे हैं, उन्हें भी पहचान लो। यहां हिमाचल में इतने बड़े बड़े काम हुए, IIT खुला, कांगड़ा में निफ्ट खुला, एम्स खुला, सिल्क सेंटर यहां आया, टी बोर्ड के हेडक्वार्टर्स आए, यहां जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज आया,
ये सब किसने मनाया? ये 70 सालों में देश भर में IIT, IIM, ISRO, DRDO, भाखरा नंगल डैम, आप नाम लीजिए, बड़ी बड़ी संस्थाएं किसने बनवाई? कांग्रेस पार्टी ने बनवाई। भाजपा के नेता आके एक बार एक संस्था का नाम ले लें जो उन्होंने बनाई। नड्डा जी आए थे, उन्होंने कहा कि जो मेडिकल कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू जी के नाम, वो उन्होंने बनवाया है। बताइए, सुबह से शाम तक तो इनके सारे नेता पंडित नेहरू को गाली देते रहते हैं। मेडिकल कॉलेज बनाया कांग्रेस पार्टी में ने, और ये कह रहे हैं, श्रेय लेना चाहते हैं कह रहे हैं कि इन्होंने बनाया, क्योंकि इनके नाम एक चीज नहीं है, एक IIT, एक एम्स, एक बड़ी सड़क, एक बड़ी संस्था, एक चीज नहीं आपको कहने के लिए। सिर्फ ये कह सकते हैं कि हाँ, जो भी कांग्रेस ने बनाया था हमने अपने बड़े बड़े खरबपति दोस्तों को दे दिया। आपके सामने चुनाव के समय आते हैं तो आपके काम की बात तक नहीं करते। बेरोजगारी शब्द आप उनके मुंह से निकलते हुए कभी नहीं सुनेंगे, महंगाई शब्द कभी नहीं सुनेंगे। कांग्रेस पार्टी इस बार देश भर में कुछ स्कीम लागू करना चाहती है। आपको याद होगा कि जब यहां चुनाव हुए थे तो हमने कहा था कि हर पर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उनके खाते में हम 1500 रुपए डलवाएंगे। थोड़ा समय लगा लेकिन ये काम अब शुरू हो गया है, और हिमाचल में ये बजट में भी पास हो गया है और कुछ जगहों में देना शुरू भी हो गया है। हम कह रहे हैं कि इसी तरह से देश भर में गरीब परिवारों में जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में 8500 रुपए हर महीने डलवाएंगे। जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें से 50% हम महिलाओं को दिलवाएंगे। जो आशा बहू, आंगनवाड़ी और मिड डे मील की महिलाएं हैं उनका मानदेय बढ़ाएंगे और केंद्र से दुगनी राशि भिजवाएंगे। आज किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलता। हम एक कानून लाएंगे जिससे आपको ये जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये कानूनी तौर पर मिलना पड़ेगा, ये आपका अधिकार बनेगा। आपको भुगतान नहीं मिलता जब नुकसान होता है। हम 30 दिन के अंदर अंदर पूरे देश भर में किसानों के नुकसान का पूरा भुगतान कराएंगे। जब नुकसान होता है 30 दिन बाद आपको पूरा भुगतान मिलेगा। आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा जिससे अगर किसान को कर्ज उठाना पड़े तो वो किसी भी समय उस आयोग में जाकर उसकी सुविधा ले पाएगा। श्रमिकों के लिए देश भर में हम 400 रुपए का न्यूनतम दिहाड़ी का कानून लाएंगे। उससे कम दिहाड़ी आपको कोई नहीं दे पाएगा। जिस तरह से हमने गांव में मनरेगा का काम किया और उसे बहुत मजबूत बनाया था, लेकिन मोदी जी के राज में वो कमजोर हुआ है, मनरेगा के पैसे नहीं मिलते। हम फिर से मनरेगा को मजबूत बनाएंगे और शहरों में भी हम शहरी मनरेगा लागू करेंगे ताकि शहरों में भी आपको 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिले। हमने राजस्थान में, जहां हमारी सरकार थी, वहां 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हमने शुरू कराया था। उससे जनता की बहुत सुविधा हुई। 25 लाख तक जितना भी इलाज था, हार्ट की सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी, कैंसर के लिए जो इलाज, ट्रीटमेंट, वो सारा हो पाया और उसके लिए जनता को एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। मैं ऐसे लोगों से मिली जिनका पूरा ट्रीटमेंट हो गया था और उन्होंने कहा कि दीदी सिर्फ मुझे पहचान पत्र बनाने के लिए पैसे देने पड़े। ये कांग्रेस का काम है और यही काम हम देश भर में करना चाहते हैं कि देश भर में स्वास्थ्य बीमा लागू हो, 25 लाख तक आपका पूरा इलाज मुफ्त में हो। नौजवानों के लिए जो 30 लाख पद आज मोदी जी की सरकार में खाली पड़े हैं, उन पदों को भरने का काम कांग्रेस पार्टी सबसे पहले करेगी। और जो स्नातक पास बच्चे हैं उनके लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे ताकि स्नातक पास होते ही आपके हुनर को बढ़ाने के लिए आपको एक नौकरी मिलेगी जिससे आपको 1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे जब तक आपकी स्थायी नौकरी नहीं होती।
नौजवानों के लिए 5,000 करोड़ का एक फंड लाएंगे, जिससे जो जो अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, छोटा बिजनेस या स्टार्टअप, जैसे हिमाचल में हम स्टार्टअप फंड हमने बनाया है, उसी तरह से देश भर में हम बनाएंगे ताकि आपको मदद मिले। आप शिक्षा के लिए अगर लोन लेते हैं, कर्ज उठाते हैं, तो शिक्षा के लिए जो भी कर्ज उठाएगा वो सारा कर्ज माफ होगा। और अगर किसी किसी सरकारी नौकरी के लिए आप आवेदन पत्र के लिए आप फीस भरते हैं, तो वो भी फीस हम रद्द कर देंगे, हटा देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपनी अग्निवीर की स्कीम है इनकी, इसको हम पूरी तरह से रद्द कर देंगे। तो देखिए, आपने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया प्रदेश सरकार के बनाने के समय। आपने निर्णय लिया कि आप एक सही, सच्ची और ईमानदारी राजनीति लाएंगे अपने प्रदेश में। आप लाए और आप देख रहे हैं कि तमाम मुश्किलों के बावजूद कि भाजपा कभी सरकार गिराने की कोशिश करती है, कभी आपदा के लिए जो राशि आनी चाहिए वो रोक देती है, कभी ये जो आपका जो OPS है जो हमने लागू किया, इसका जो एक पेंशन का जो फंड होता है उसको रोक के रखती है, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद हमारी सरकार दिन रात आपके लिए काम कर रही है और ईमानदारी से कर रही है। ये निर्णय आपने लिया, ये आपकी जागरूकता का नतीजा है कि आज प्रदेश में एक अच्छी ईमानदार सरकार चल रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आई हूं कि जो आप अगला निर्णय लेने जा रहे हैं, जो आप लोकसभा के चुनाव में अपना वोट डालने जा रहे हैं, उसको भी पूरे विवेक और पूरी जागरूकता से डालिए। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आनंद शर्मा जी ने अपने कार्यकाल में बहुत किया हिमाचल के लिए। ये जो मैं गिन रही थी, एम्स, IIT, ये सब, इनमें से तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो इनके कार्यकाल में ही यहां पे आई। इनको आगे बढ़ाइए, कांग्रेस का प्रत्याशी चुनिए, कांग्रेस की भारी बहुमत से केंद्र में सरकार लाइए, ताकि ये सारी जो केंद्र की तरफ से गारंटी है इनको भी पूरा करने का काम हम शुरू कर पाए और आपके जीवन में हम सुविधा लाएं, आपको मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।